हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड्स वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल से होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, अब थोड़ा इस गेम प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो गेम प्ले है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इसमें आज आपको बहुत सारे एक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे क्रॉसिंग्स हो गई, ओवरटेक्स हो गया और हाई स्पीड एक्शंस। हम हाई स्पीड में स्टेशन को स्किप्स करेंगे। और तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा बहुत। और जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:46, यानी 8:46 हो रहा है। और इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर का टाइम है 8:47 का। और अभी फ़िलहाल हम इलाहाबाद छोकी जंक्शन पर है और हमारा टाइम होने ही वाला है। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से हम थोड़ा हॉर्न बजा देंगे और बाकी हम यहाँ से डिपार्चर लेंगे। फिर आप डिपार्चर इन्जॉय करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस ट्रेन के बारे में। चलिए डिपार्चर इन्जॉय करते हैं। तो गाइज, हमने अब यहाँ इलाहाबाद छोकी जंक्शन से अच्छा खासा डिपार्चर ले लिया है, मतलब टाइम से हमने डिपार्चर कर लिया था अपनी ट्रेन का। बाकी अब पूरी ट्रेन को मेन लाइन पे आ जाने दीजिए, फिर हमको वैसे भी स्पीड लिमिट, अभी हमारी जो स्पीड लिमिट है 40 km/h की दी गई है, लेकिन जैसे ही हमारी ट्रेन मेन लाइन पर आ जाएगी फिर हमको 120 km/h देगी, तो हम अपने फुल MPH पर ट्रेन को दौड़ाएँगे। और चलिए अब इस ट्रेन के बारे में, जो आज हम ट्रेन ड्राइव कर रहे हैं इस ट्रेन के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो आज जो हम ट्रेन ड्राइव कर रहे हैं ये है ये अहमदाबाद टू गोरखपुर एक्सप्रेस है। मेरे को ट्रेन नंबर तो याद नहीं, लेकिन ट्रेन का नाम यही है, अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच चलती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने इसको पूरा इलाहाबाद जंक्शन से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि यार इसका रूट ही ऐसा है, मतलब इलाहाबाद जंक्शन से ये होके आती ही नहीं है। ये इलाहाबाद छोकी जो जंक्शन है वहाँ से एक जो लाइन कटी है उस लाइन से कट के होते इलाहाबाद छोकी में आती है, फिर ये मेन लाइन पकड़ लेती है, फिर मिर्ज़ापुर होते हुए, चुनार होते हुए ये वाराणसी जंक्शन को जाती है। तो आज की जो हमारी ड्यूटी है यही है कि इलाहाबाद छोकी से लेकर इस ट्रेन को वाराणसी तक पहुँचाना है। और जो इसका वाराणसी में टाइम है वो 11 बजे के आसपास का टाइम है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बाकी मैंने आपको नाम बता दिया, आप चेक कर सकते हैं। और जो इसका ओरिजिनल टाइम है रियलिटी में, वही मैंने गेम में भी रखा है 8:47 पे, वो भी इलाहाबाद छोकी से डिपार्चर लेती है, हमने वही टाइम रखा है। तो बाकी आप इस गेम प्ले को एंजॉय करिए, पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। और जो आज हमको लोको मिला है वो है Web 7, जहाँ तक मुझे पता है गाज़ियाबाद का है, फिर हावड़ा का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने बस लगा दिया।
तो चलिए आप इस गेम प्ले को एंजॉय करिए, आगे जो जो सीनरी आएगी मैं आपको बताते रहूँगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं सामने से कोई ट्रेन आ रही है, तो चलिए देखते हैं कौन सी है। और ये है वेब 4 के साथ उत्कृष्ट रेक में ICF कोचेस, और ये है 12311 नेताजी एक्सप्रेस, जिसको पहले इसका नाम कालका मेल था, ये हावड़ा से कालका बीच में चलती है और ये गई पूरी, बहुत ही मज़ेदार क्रॉसिंग थी। तो गाइस आगे भी आपको इसी तरह से बहुत सारे क्रॉसिंग्स, और हमारे ट्रेन का आगे ओवरटेक भी होना है, तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, और बाकी आप गेम प्ले इन्जॉय करिए। तो आज तो ये हमको LHB कोच मिली है, मतलब जो हम ट्रेन चला रहे हैं वो LHB अवतार में ही है अभी रियलिटी में भी। तो बाकी अभी आज तो हम इसका स्लीपर के साथ जर्नी कर रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है यार, 8:57, और अभी हमारी करंट स्पीड है 110 के आसपास मानिए, वैसे तो 109 है लेकिन 110 के आसपास मानिए। और बाकी आगे एक शायद स्टेशन आने वाला है, और ये सामने की लेवल क्रॉसिंग है, और ये देखिए हम इस लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस एक और बार सामने एक और ट्रेन आ रही है, मतलब क्रॉस हो रही है, वेब 7 के साथ ICF के अवतार में एक ट्रेन क्रॉस हो रही है, कौन से 18309 संबलपुर एक्सप्रेस थी कोई, पूरा नाम मैं पढ़ नहीं पाया। और बाकी हम स्टेशन को जो क्रॉस कर रहे हैं, ये है करचना स्टेशन, जो कि इलाहाबाद चुन के तुरंत बाद जस्ट उसके बाद ही आता है, और इसको हमने फ्लैट 110 कह सकते हैं, मतलब तो करंट स्पीड 109 है, तो आप कह लीजिए 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने करचना को क्रॉस किया है। ऐसे आगे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा 120 के यार, क्योंकि जल्दी ट्रेन को चला तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है, लेट हो गई तो यार फिर हमको एक खड़ी खोटी सुननी पड़ेगी, ऊपर से जो पैसेंजर अंदर बैठे होंगे यार वो भी हमें सुनाएंगे कि लोग को पायलट ने ट्रेन लेट करवा दी। तो वैसे गाइस आपने थोड़ा उधर का हाल बताइए, जैसे कि मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, तो यहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा, और जब ये आपको देखने को मिल रही होगी उस समय तक, अभी इस समय 31 मई तक पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में। मैं दिल्ली मेट्रो बंद, मतलब पूरा हाल हो रखा है यार, मतलब घर में बैठे बैठे हम लोग पक गए हैं। बाकी आप जिधर रहते हो उधर का हाल बताओ, उधर का लॉकडाउन लगा है कि नहीं लगा है। वैसे जहाँ तो मुझे पता है इंडिया के लगभग हर स्टेट में लॉकडाउन तो लगा है, नहीं पर कहीं पर 24 मई तक था, कहीं बढ़ा दिया गया 31 मई तक। तो बाकी आप उधर अपना एरिया का हाल बताइएगा, और बताइएगा आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ये पता चले कि आप यार कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरी, इससे थोड़ा आपके और मेरे बीच में इंगेजमेंट बढ़ेगा। चलिए गाइस हम ट्रेन चला ही रहे हैं, तो हम रूट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं यार, अगर रूट ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा यार, हम जिस रूट पर हम ट्रेन चला रहे हैं उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो गाइस ये जो रूट है ये है इलाहाबाद टू मुगलसराय वर्ज़न 3, इसमें पूरा आपको इलाहाबाद मुगलसराय मिर्ज़ापुर ये सब वाराणसी भी कवर किया है मैंने, इसमें ये रूट मेरा ही है। आप अगर चाहें तो, अगर आपने अभी तक इस रूट को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका रूट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इस रूट को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये रूट बहुत ही मस्त है, मुझे तो अपना यार अपना रूट मुझे तो मस्त लगेगा, बाकी और लोगों के भी फीडबैक आए हैं कि मस्त है। तो भाई आप अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है रूट को तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और हम एक लेवल क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, और बाकी शायद आगे एक और स्टेशन भी आने वाला है, चलिए देखते हैं ये कौन सा स्टेशन है। नहीं यार दूर है अभी, स्टेशन पास में नहीं, आ गया सॉरी, ये स्टेशन, ये जो स्टेशन है ये शायद भरवारी, जी हाँ ये भरवारी स्टेशन को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, वही 109 KMPH की स्पीड में। गाइस मैं आपको ये वीडियो में क्लियर कर देता हूँ यार, ये जो ट्रैक साउंड मैंने यूज़ किया है ये गेम का इनबिल्ट नहीं है, ये एडिटेड है। तो भाई प्लीज़ यार ट्रैक साउंड का लिंक मत मांग करो, अगर हो मैं दे नहीं पाऊँगा पहली बात, ये एडिटेड है। और आजकल तो यार ट्रेन 3 आप में से किस किस को मिला है ये एक बार ज़रूर बता देना,
कमेंट करके। और ये सामने से एक ट्रेन आ रही है वेब फोर के अवतार में, मतलब वेब फोर LHB के अवतार में, 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हमको क्रॉस कर रही है बहुत ही शानदार स्पीड में ये गई। और ऐसे क्रॉसिंग्स अगर गेम प्ले में देखने को मिले तो गेम प्ले का मज़ा ही अलग होता है। और देखते हैं कि आज की ड्यूटी हम कहां तक कवर कर पाएंगे, क्योंकि यार वाराणसी से पूरा इस गेम प्ले को बनाना वीडियो हो जाएगी 2 घंटे के आसपास की, और उतना ना मैं बना पाऊँगा और शायद आप भी ना देख पाएँ। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये वीडियो बन पाएगी, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा का मैं बना सकता हूँ वीडियो। अरे स्पेस भी तो नहीं है ना मेरे फ़ोन में, 2 घंटे की वीडियो मैं कहाँ से बनाऊँगा। बाकी आप आगे देख रहे हैं, ये हम एक शायद रिवर ही होगा, रिवर ही क्रॉस कर रहे हैं कि कैनल कह सकते हैं, रिवर ही होगा यार, मेरे को थोड़ा एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हाँ रूट तो मैंने बनाया, लेकिन ये देख लिया यार मैंने रूट बनाया और मेरे को नहीं पता वो रिवर है कि क्या है, देख रहे हो अपनी बेइज्जती हो रही है अलग से। और बाकी यार अपना वेब 7 तो कमाल दिखा रहा है यार, वेब 7 जानती हो यार एक्सेलरेशन किंग है इंडियन रेलवेज का। और बाकी अपने स्लीपर कोचेस को देख लीजिए आप, आज इसी के साथ हम जर्नी कर रहे हैं, मतलब इसी को चेज करते हुए। और बाकी सामने मेरे को एक फ्लाईओवर दिख रहा है, बहुत ही यार मस्त लग रहा है सीनरी। एक बार आप इस रूट को ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ गाइस, बहुत से जो व्यूअर्स है वो एक्टिविटी की डिमांड कर रहे थे, तो गाइस ये जो गेम प्ले है ये एक्टिविटी आपको बहुत जल्द मिलेगी, मतलब ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो अभी अपने स्क्रीन पर, इसी की एक्टिविटी आपको मिलेगी बहुत जल्द। मैं पहले पूरा गेम प्ले अलाहाबाद टू वाराणसी तक पूरा मैं गेम प्ले बना लूँगा, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दूंगा। इससे क्या होगा कि आप इस गेम प्ले, इस एक्टिविटी का गेम प्ले देख भी लोगे कि कैसी एक्टिविटी है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और बाकी हम अभी एक स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और हमको यहाँ लिमिट दी गई 90 KMPH की, तो हमने स्पीड भी रिड्यूस ही कर ली अपनी। तो आगे देखते हैं कौन सा स्टेशन, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मेजा रोड या मांडा रोड होगा शायद, देखते हैं अभी। तो गाइस ये है जी, ये है मेजा रोड, जी हाँ ये स्टेशन है मेजा रोड, 4 प्लेटफॉर्म 1 2 3 4, जी हाँ 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और हम इसको 90 KMPH की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता यार यहाँ पे 90 की लिमिट क्यों दी गई है, बल्कि हम मेन लाइन से होकर गुजर रहे हैं तब भी 90 की स्पीड, यार 110 से गुजरते तो मज़ा आता। मान लो कोई रेल फैनिंग कर रहा होगा यार, तो उसको मज़ा ख़राब हो गया होगा 90 की स्पीड देखकर, है कि नहीं। तो गाइस सामने से एक और ट्रेन आ रही है वेब 4 के साथ ICF के अवतार में, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। तो गाइस ये ट्रेन है 09088 छपरा उधना समर स्पेशल, बहुत ही अच्छे रफ्तार में हमको ये ट्रेन क्रॉस कर रही है ICF के अवतार में। वैसे आप गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपको LHB ट्रेन्स पसंद है कि ICF ट्रेन्स पसंद है। अरे मेरे अगर पर्सनल पूछोगे मुझसे तो देखो LHB तो ICF से कहीं कंपेयर नहीं है, बहुत अच्छा कोच है, और सेफ्टी के मामले में, स्पीड के मामले में ICF से कई गुना बेहतर है। लेकिन यार हमने बचपन में जितने भी सफ़र किए ना ICF कोचेस में ही किए हैं, तो एक अजीब सी यादें, मेमोरीज कह सकते जुड़ी हुई है ICF कोचेस के साथ। एक तो जो शेक बहुत करती है ICF कोचेस, अगर आप वो अपनी फुल स्पीड में दौड़े ना 110 या 100 की स्पीड में दौड़े तो बहुत शेक करती है, वही LHB उतना शेक नहीं, शेक तो वो भी करती है लेकिन उतना जितना नहीं करती, थोड़ा बहुत स्मूथ रहती है। और भाई ट्रैक साउंड की बात अगर आप रियलिटी में करोगे तो ICF की ट्रैक साउंड बहुत गजब की होती है, अगर आप सच्ची में एक रेन फैन हो तो आपको ये फील हुआ होगा। बाकी LHB में तो उतना नहीं, लेकिन यार हमने अपने बचपन में बहुत ICF कोचेस में ट्रैवल किया है, मतलब अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब जब भी हम गांव जाते थे, अब तो धीरे धीरे सारी ट्रेन LHB में कन्वर्ट हो रही है, तो पहले जितनी भी ट्रेन थी यहाँ तक जो पुरुषोत्तम पूर्वा इन ये सब आज LHB में चल रही है, ये जब ICF में चला कर रहे थे तब भी मैंने इनमें ट्रैवल कर रखा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कितनी मेमोरीज होंगी ICF पे।
तो गाइस सामने एक और स्टेशन को हम क्रॉस करने वाले हैं और इस बार स्पीड एकदम करेक्ट है 110 किलोमीटर पर आवर। और जहाँ तक यार मेरे को इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिशन स्पीड 110 ही लग रही है, तो हम 120 पे भगाते ही यार। और जो हम शायद ये स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, ये शायद कौन सा स्टेशन है, शायद जिगना स्टेशन है शायद, नहीं सर जी ये है उचड़ी स्टेशन। ये आया तो भाई लोग ये उचड़ी स्टेशन है, माफ़ करना जिगना बोल दिया गलती से, जिगना आता है मिर्ज़ापुर के बाद। तो ये अब जो हमने स्टेशन क्रॉस किया ये उचड़ी स्टेशन, फ्लैट 110 kmph की स्पीड में। यार मेरे को एक बात समझ भी नहीं आती, अगर मान लो इंडियन रेलवेज ट्रेन को LHB में कन्वर्ट कर रही है लेकिन स्पीड उतनी ही रहती है 110, या कम से कम चलो 130 नहीं करना तो 120 तो कर दो, कुछ तो बढ़ाओ स्पीड को। लेकिन ये मैंने किया है यार, मतलब चेक किया है, मान लो मैं ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ मगध एक्सप्रेस, जिसमें मैंने पहले भी एक्टिविटी बना रखी है, वो जब ICF के रेक में हुई थी मैंने उसे ट्रैवल किया, वो 110 से चलती भी नहीं थी, 100-105 तक चलती थी। और जब LHB हो गई और ये गाइस BCSNL फ्रेट ट्रेन, सॉरी बातों में बह गया था, बताना भूल गया। और हाँ कहाँ था, हाँ ICF में भी ज़्यादा 105 तक बढ़ती थी और अभी LHB हो गई है वो पूरी, मगध एक्सप्रेस बात करो न्यू दिल्ली से सलामपुर के बीच में चलती है, ठीक है। वो LHB में भी यार इसकी स्पीड कुछ बड़ी ही नहीं है, 110 ही है, तो यार मेरे को ये लॉजिक समझ नहीं आया। हाँ लेकिन सेफ्टी के मामले में ये आप कह सकते हो कि सेफ्टी के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, भले स्पीड कितनी कम हो लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी इसकी टॉप प्रायोरिटी है, ये बात तो मानना पड़ेगा यार। और गाइस इसका नेक्स्ट सिग्नल जो हमारा है वो येलो है, पता नहीं यार हमारा स्टॉपेज कहीं नहीं है। हाँ हमारा अलाहाबाद शेखी और वाराणसी के बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं है, हमारा नॉन स्टॉप रन है, तो शायद मे भी हमको यहाँ ओवरटेक के लिए लगाया हो, मुझे तो यही लग रहा है। अब यार देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करेगी, किस ट्रेन को पहले प्रायोरिटी दी गई है। अब जहाँ तक मुझे लग रहा था कहीं स्टॉपेज है नहीं इसका, तो प्रायोरिटी तो इसको मिलनी चाहिए ना सबसे पहले, बाकी तो रेलवे ही जाने यार। और शायद ये जोन NCR जोन है शायद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पता नहीं यार NCR ही होगा। और बाकी आगे हमारा यहाँ ट्रैक चेंज हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमको यहाँ लिमिट मिल गई है, अपकमिंग लिमिट 40 kmph, जाहिर सी बात है यार लूप लाइन में तो 40 होगी, 90-100 तो होगी नहीं, तो ट्रेन ही डिरेल हो जाएगी ट्रैक चेंज करते हुए। और जिस स्टेशन पे शायद हमको लूप लाइन में डाला गया है ना, ये स्टेशन है शायद मांडा रोड है, हाँ मांडा रोड ही है। और ये देखिए हमारा वेब 730241, ये क्या इसका रूट नंबर, P7 फॉन्ट साइड में वेब 7 के, जो कि बहुत गजब का लगता है, जहाँ P7 फॉन्ट नहीं लगता ना उधर जगह सुनी सुनी लगती है, बाकी जैसे कुछ लोकोमोटिव्स में होता है ना साइड में P7 ये फॉन्ट लिखा है, ये लिखा नहीं होता, इसी तरह P4 में भी होता है, इसी तरह किसी किसी लोकोमोटिव में P4 लिखा रहता है, किसी किसी में नहीं लिखा रहता, लेकिन जहाँ P4 या P7 लिखे रहते ना वो गजब के लोकोमोटिव लगते हैं मेरे को तो। बाकी अब धीरे धीरे हम चलिए बढ़ते हैं सिग्नल पर, जाके रोक देंगे 50 मीटर जब बाकी रहेगा, बाकी आप ट्रैक मॉनिटर पर देख सकते हैं अभी तो शायद 500 मीटर दूर है रेड सिग्नल, एकदम सिग्नल के पास जाके रोकेंगे और देखेंगे यार कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है। बाकी हमारा गेम प्ले जहाँ तक मुझे अंदाजा है 20 मिनट के आसपास तक हो ही गया होगा, है ना। चलो अब सिग्नल के पास रोक देते हैं, तब जैसे आगे देखते हैं यार कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है। गाइस 50 मीटर रह गया तो ट्रेन को यहाँ हमने ब्रेक लगा दिया, रुक जाएगी ट्रेन, तो ये लोग गाइस हमारी ट्रेन रुक गई है, हमारी ट्रेन को मांडा रोड पे लूप लाइन में डाल दिया गया है। अब पता नहीं अभी तो मेन सिग्नल और लूप हमारा तो वैसे ही रेड, दोनों सिग्नल रेड है, अब देखते हैं यार कौन सी ट्रेन आती है
अभी तक तो कोई ट्रेन क्रॉस नहीं, लास्ट ट्रेन वही शायद फ्रेट ट्रेन BCHNL जो वैक्स 7 के साथ थी उसी ने हमको क्रॉस किया था, बाकी उसके बाद अभी एक भी ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया हमको, और अभी हम मांडा रोड पर लूप लाइन में लगा दिया गया है। तो चलिए वेट करते हैं, वेट करने के अलावा क्या ही चांस है, मतलब क्या ही मौका है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। पता है कभी कभी कमेंट्री करते वक्त ना वर्ड्स रहते नहीं है, और सामने देखिए वैक्स 7 के साथ ICF की अवतार में एक ट्रेन आ रही है, और शायद ये स्किप करेगी स्टेशन, लग रहा है स्पीड तो है अच्छी खासी। नहीं गाइस, ये स्टेशन स्किप नहीं करेगी क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन है, ये है 54 प्रयागराज पैसेंजर 5 3345 ट्रेन नंबर था उसका, और जैसे कि आप देख सकते हैं चलिए पहचान में भी आ रही है क्योंकि इसकी जो सारे रेक हैं वो जनरल कोच के रेक हैं, तो जाहिर सी बात है पैसेंजर की ट्रेन होगी, और ये शायद छोटी सी ट्रेन है तो आगे सिग्नल के पास जाके रोकेगी। और वैक्स 7 यार बताओ, पैसेंजर ट्रेन पर वैक्स 7 लगा रखा है, इज्जत ही नहीं है यार पैसेंजर, वो मतलब वैक्स 7 की यार एक्सेलरेशन किंग है, प्रीमियम ट्रेन्स में यूज़ होने वाले लायक है या फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में यूज़ होने के लोकोमोटिव है, लेकिन यार बताओ पैसेंजर में लगा दिया, इसमें डीजल या फिर वेब 4 लगा सकते थे। और पता है ICF के साथ वेब 4 का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही गजब का लगता है, मुझे तो बहुत गजब का लगता है, मतलब सूट करता है जैसे आप कह सकते हो। देखो अब जैसे आप देख सकते हैं ICF ट्रेन रुक गई है, रुकने वाली मतलब रुकी गई है, अब तो रुक गई है, प्लेटफॉर्म नंबर कितने पर रुकी होगी, 1 2 3 3 प्लेटफॉर्म नंबर 3 मंडा रोड के, 1 मिनट का स्टॉपेज होगा फिर ये तो निकल जाएगी यहाँ से। तो भाई हॉर्न मार दिया है हमारे 54 प्रयागराज पैसेंजर ने, वेब 7 लोकोमोटिव साहब, लोको पायलट साहब, पता नहीं मैं अभी क्या क्या बोलता रहता हूँ यार। ये डिपार्चर ले लिया है इसने, और मेन लाइन से यार इसका डिपार्चर हुआ है, तुरंत एक्सेलरेट करी, कम कोचिस हैं यार, बाकी यार हमको जल्दी से यार फ्री करो ना यार, इतने देर वेट कर रखा है यार, जितने देर ये वेट करा रहे उतनी देर में तो शायद मैं आगे पहुँच जाता, और बीच में स्टॉपेज भी नहीं है, फालतू खड़ा कर दिया है यार, पता नहीं कौन सी राजधानी कहेंगे यार, जिस ये टाइम है ना जो 9:34 या फिर 9:34 ही हो रहे ना, हाँ 9:34 जो टाइम है यार, ये इस टाइम तो इस सेक्शन में कोई राजधानी जहाँ तक मुझे पता है यार, चलते हो तो बता देना यार मैं गलत बोल रहा हूँ तो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यार कोई राजधानी नहीं चलती है, वो अलग बात है यार इससे कोई प्रायोरिटी ट्रेन होगी यार, लेकिन लॉजिक नहीं बनता है ना, कहीं स्टॉपेज ही नहीं इसका, सीधा भगाना चाहिए इसको फटाफट, हम लेट हो जाएंगे फालतू में, अब क्या करें यार छोड़ो, अब लूप लाइन में डाल दिया और सिग्नल क्रॉस करेंगे तो यार लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वेट ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वैसे यार मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो गया है तो कोई नहीं, अब तो ट्रेन आएगी, चलो अब देखते हैं यार कौन सी ट्रेन है, किसमें हिम्मत है हमें ओवरटेक करने की, बाकी देखते हैं इंतज़ार करते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। तो गाइज लगता है ट्रेन आ रही है जो हमें ओवरटेक करने वाली है, आपको हॉर्न सुनाई दे रहे होंगे। तो गाइज ये ट्रेन है 12362 मुंबई CSMT आसनसोल सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यार ICF के अवतार में इसमें कुछ उत्कृष्ट के रेक भी थे, हमें एकदम बेइज्जती वाली ओवरटेक करके चली गई यार, आप कोई लॉजिक बता रहे हो, मतलब एक LHB ट्रेन को एक ICF ट्रेन ने ओवरटेक कर दिया, ऐसा रियल लाइफ मैंने ऐसा कभी सीन नहीं देखा, लेकिन गेम में यार रेलवे है तो है यार, अब इसने ओवरटेक करा दिया तो यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती गजब वाली हो गई यार, और जहाँ तक मुझे पता है उसका स्टॉपेज बीच में कहीं ना कहीं होगा, और हमारा स्टॉपेज नहीं है, हम राइट टाइम चल रहे थे तब भी हमें लूप लाइन में खड़ा कर दिया गया, देख रहे हो मनमानी आप रेलवेज की, तो चलो अब ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अब
चलिए अब वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो गई है, अब इसका पार्ट वन यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।